एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जैसे सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, ये स्पेसिफिक सब्सटेंसेस फॉर्म बाय बॉडी इन रिस्पांस टू स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन। एंटीबॉडी जो है, जब हमारे जिस्म में बाहर से कोई एंटीजन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे जिस्म के अंदर एंटर होता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होके एंटीबॉडीज बनाता है। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये जिस तरह वायल लेटर होता है, वायल लेटर की तरह होता है, इसकी दो चेन्स होती हैं, एक हैवी चेन होती है और एक लाइट चेन होती है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो वाई पोर्शन है, ये हैवी चेन है और जो लाइट चेन है वो ये वाली है, ये वाली जो है वो लाइट चेन है। अब इसमें दो रीजन्स होते हैं, एक कांस्टेंट रीजन होता है जो कि तब्दील नहीं होता, चेंज नहीं होता। ये वाला जो पोर्शन है ये सारा इसका क्या होगा, कांस्टेंट रीजन है, और ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दोनों तरफ ये वेरिएबल रीजन है। अब एंटीबॉडीज़ हैं क्या? एंटीबॉडीज़ जो है प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो एंटीबॉडी बनाती है, गैमा ग्लोबुलिंस। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बीटा लिम्फोसाइट्स। बीटा लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स हमारे वाइट ब्लड सेल की एक टाइप हैं। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब एक्टिवेट होगा तो उसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और जो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज से प्रोड्यूस होती है इसको हम नाम देते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, IG जो हम लिखते हैं, IG स्टैंड्स फॉर अमीनोग्लोबुलिन। अमीनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी सेम ही है। सबसे पहली जो टाइप है IgM। IgM जब भी कोई एंटीबॉडी जो रिस्पांस शो होता है, सबसे पहले IgM अपीयर होती है। कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में सबसे पहले IgM जो M है वो आएगी। एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स है, इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन द सर्कुलेशन आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ बीटा लिम्फोसाइट्स। जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन जो आएगा हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जब एक्टिवेट होंगे तो इनके एक्टिवेशन के नतीजे में सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो IgM है। फिर नेक्स्ट है IgG। IgG जो है वो क्लासिकल एंटीबॉडी है, ये इंसान के जिस्म के अंदर मेजर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी है, जो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी है वो IgG है। IgG अपीयर्स आफ्टर 24 to 48 hours आफ्टर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। जब हमारे जिस्म में कोई एंटीजन फॉरेन पार्टिकल इंट्रोड्यूस होगा, दाखिल होगा, तो जब वो हमारे जो बीटा लिम्फोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में 24 से 48 घंटों के अंदर हमारे जिस्म के अंदर अपीयर होंगी। IgM जो है वो फौरन ही अपीयर हो जाती है, फौरन बन जाती है, और IgG एंटीजन जब एंटर होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो उसके 24 से 48 घंटों के बाद IgG बनेंगी। फिर नेक्स्ट है IgA। अब जो IgA है इसकी दो टाइप्स हैं, सीरम IgA और सेक्रेटरी IgA। सीरम IgA नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे सीरम के अंदर पाया जाता है, ब्लड जो सीरम होता है IgA उसके अंदर पाया जाता है, और जो सेक्रेटरी IgA है ये हमारे बॉडी की जितनी भी सेक्रीशंस हैं, बॉडी सेक्रीशंस हैं, उनके अंदर ये पाया जाएगा, और प्रोवाइड रेजिस्टेंस रिस्पायरेटरी एंड GIT ट्रैक। अब अगर किसी किस्म का कोई रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है या फिर GIT, कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर आया है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक पे असरअंदाज होगा या फिर GIT ट्रैक पे असरअंदाज होगा, तो जो सेक्रेटरी IgA है इन्होंने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, उस एंटीजन के ख़िलाफ़ ये मुज़ाहमत प्रोवाइड करेंगे, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी कौन कौन सी सेक्रीशंस, ये टीयर्स में पाई जाती हैं, स्लाइवा में पाई जाती हैं, टीयर्स आंसू, स्लाइवा जो लॉब होता है उसके अंदर, और क्लस्ट्रम। क्लस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क सेक्रेटेड बाय नर्सिंग मदर्स। नेक्स्ट जो है IgE।
IgE जो है प्ले मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस। किसी किस्म के भी जो कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो जो एलर्जिक रिएक्शन में IgE अपीयर होती है और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट जो एंटीबॉडी की टाइप है IgD, IgD का फंक्शन और इसकी अहमियत दोनों ही मालूम नहीं है, लेकिन ये जो बीटा लिम्फोसाइट्स के ऊपर सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं IgM के, ये उसी एंटीबॉडी के साथ ही इसके भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं।